हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसा पढ़ाई चल रहा है? बाकी सब ठीक है? चलो इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर रहे थे, उसमें बता रहे थे कि ट्रिगोनोमेट्री का जो भी फॉर्मूला है उसके बारे में डिस्कशन कर लिए, और वैल्यू जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए है। कैसे साइन 30 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू और रिमेनिंग जो भी टी रेशियो है उसका वैल्यू कहाँ से आता है। इस वीडियो में उसको आगे एक्सटेंड करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे लो। और एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था कि सर, साइन 60 डिग्री का वैल्यू और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कैसे आ रहा है, ये समझ में नहीं आया। ये वाला पार्ट को फिर से हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे लोग। ठीक है बच्चों, तो बने रहना, टॉपिक डालो हमारे साथ ट्रिगोनोमेट्री। ये थर्ड पार्ट वीडियो है ट्रिगोनोमेट्री का। कितना कितना पार्ट वाला है? थर्ड पार्ट। इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को मिल गया होगा। अगर आप पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पे तो रिमेनिंग दो वीडियो को देख का है ताकि इसको समझने में आसानी मिले। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं पहले कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू एंड साइन 60 डिग्री का वैल्यू कैसे आ रहा है, या फिर बोल सकते हैं टेन 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री, सिमिलर कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। ठीक है, ये सबका वैल्यू कैसे आ रहा है, कितना होगा, ये हम लोग आज डिस्कशन कर लेते हैं फिर से। क्या बोले थे, साइन 30 और साइन 60 के लिए सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल लेना है। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे लो? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे लो। कौन सा लेंगे लो बच्चों? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब माइंड में आएगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ही क्यों लेंगे, बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल ही क्यों लेंगे? बच्चों आपको पता होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड आपस में इक्वल होता है, साथ ही साथ ऑल एंगल 60 60 डिग्री का होता है। कितना होता है बच्चों? 60 डिग्री। ठीक है, और हमको 60 डिग्री का वैल्यू भी निकालना है, इसलिए हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रहे हैं। क्लियर है? अब देखो बच्चों, इसका साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑल साइड इक्वल, ऑल ऑल एंगल भी आपस में इक्वल होता है। ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है। साथ ही साथ अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर वर्टेक्स से बेस पे एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉप करोगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, यानी कि साइड को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, साथ ही साथ एंगल को भी दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप कर रहे हैं। हो गया बच्चों? ये टोटल एंगल कितना था बच्चों? इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री का आधा ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री। क्लियर है? और ये परपेंडिकुलर है, इसका नाम डाल देते हैं हम लोग। पहले इस ट्रायंगल का नाम डालते हैं हम लोग ए बी सी, और ये परपेंडिकुलर जहां आया उसका नाम डाल देते हैं हम लोग डी। यहां तक क्लियर है? क्या लिए हम? पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए, उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप किए। क्लियर बच्चों? अब देखो यहां तक अगर क्लियर हो गया हो तो आप हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड को एज्यूम करना अपने मन से। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड क्या ले? 2x ले, 3x ले, x ले, या जो भी ले आपके मन से। हम ले लेते हैं लो यहाँ पे 2a। साइड क्या ले लेते हैं लो? 2a। क्यों ले रहे हैं ऐसा? क्योंकि हाफ हाफ डिवाइड होगा तो ये a हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? a। अपने मन से a भी लेकर चल सकते हो, a से भी आंसर वही आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग एज्यूम करते हैं 2a। ए आखिर क्यों ले रहे? क्योंकि ए वेरिएबल है और इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि 5 5 5 हो जाए, 10 10 10 हो जाए, तो हम साइड को कैसे डिसाइड कर सकते हैं? इसलिए साइड को हम एज अ कांस्टेंट के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल लेकर चल रहा है कि 2a होगा या फिर x होगा या फिर y होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये साइड क्या हो जाएगा? a और ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2a है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये है 2a, ये भी है a। अब एक पार्ट को अगर देखो
ट्रायंगल ए बी डी को अगर ऑब्जर्व करो बच्चों, तो ये ऐसा कुछ बन रहा है क्या, यहाँ था ए, यहाँ था डी और यहाँ था बी, ये था एंगल 60 डिग्री और ये एंगल था 30 डिग्री और ये था 2A, ये हमारा था A, ठीक है बच्चा। हमको AD निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, AD, और AD निकालने के लिए बेस दिया है, हाइपोटेनस दिया है, ठीक है, परपेंडिकुलर निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया है, हाइपोटेनस दिया है, निकल जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ से पी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों रूट ओवर हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है बच्चों a है, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा, ठीक है, 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों, तो क्या बचेगा 3a स्क्वायर, क्लियर है बच्चों, और a स्क्वायर से रूट गायब होगा, 3 से 3 तो रूट से बाहर नहीं आएगा, तो हमारा हो जाएगा रूट 3a, क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, तो ये हमको मिल गया रूट 3a। अब देखो इस ट्रायंगल में हम अप्लाई करते हैं साइन 60, पहले साइन 30 अप्लाई करते हैं, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, 30 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, सामने वाला एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए, हाइपोटेनस तो फिक्स है बच्चों 2a, यहाँ पर आएगा 2a, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा बच्चों 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1/2, आप लोग टेबल में भी देखे होंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है 1/2। सिमिलर यहाँ पे देखते हैं साइन 60 का वैल्यू, परपेंडिकुलर देखो बच्चों 60 डिग्री का सामने वाला ये है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर रूट 3a बाई हाइपोटेनस 2a, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा बच्चों रूट 3/2, साइन 60 का वैल्यू रूट 3/2 होता है, सही, टेन 60 का वैल्यू, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाई बेस, 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है बच्चों रूट 3a, बेस क्या है बच्चों a, a से कैंसिल आउट होगा, मिलेगा क्या रूट 3, ऐसे ही बाकी आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ये दो आप लोग इसको करें, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, और जिस बच्चे का डाउट था उम्मीद करता हूँ कि इसको देखने से उसका डाउट क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को भी अगर कहीं डाउट आ रहा है तो आप लोग भी कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हुए और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे लो, पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी से फटाफट, चलो बच्चों देखते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है क्या लिखा हुआ है बच्चों, इफ टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट 3 एंड टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और ये कंडीशन दिया हुआ है बच्चों कि a प्लस बी लेस देन 90 डिग्री होगा और ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा, और साथ ही साथ a बड़ा बता रहा है और b क्या बता रहा है छोटा है, तो इस केस में हमको a और b का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है बच्चों a और b का वैल्यू, एंगल a और एंगल b का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे लोग, तो सबसे पहले जो गिवेन है उसको लिखेंगे लो, टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट 3, और बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि रूट 3 किसका वैल्यू है, टेन कितना का वैल्यू है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3 होता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन 60 डिग्री, और देखो बच्चों टेन टेन एंगल कंपेयर करो तो यहाँ से आएगा ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1। सिमिलर और क्या दिया है बच्चों, दिया है टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं लोग टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3, कितना का वैल्यू है तो टेन 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री का वैल्यू है,
कितना का वैल्यू बचो, टेन 30 डिग्री का। यहाँ से फिर से एंगल कंपेयर करो तो ए माइनस बी इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 30 डिग्री। ये इक्वेशन टू, ठीक है। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू ये दोनों क्या है बच्चों, लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना तो आप लोग बहुत अच्छे से सीखे हो, सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू नहीं आएगा, पॉज करके ट्राई करो, ठीक है बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले क्या करना, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड करना, फ्रॉम इक्वेशन वन प्लस टू, वन और टू को ऐड करोगे तो क्या आएगा बच्चों, ए प्लस ए टू ए हो जाएगा। देखो बी माइनस बी जीरो हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बी वाला टर्म इक्वल टू 60 प्लस 30 हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। यहाँ से ए इक्वल टू हो जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। क्लियर है बच्चों। अब ये ए का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं लो, फ्रॉम इक्वेशन वन ए का वैल्यू है 45 डिग्री प्लस बी 60 डिग्री। बी इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना आएगा बच्चों, तो आ गया हमारा 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ए का भी मिल गया हमारा, बी का भी मिल गया, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछ रहे हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये न्यूमेरिकल्स था, इसको नोट डाउन करो जल्दी से फटाफट। और आगे थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोगों के पास एनसीईआरटी का बुक होगा तो आप लोग निकाल लो, एक्सरसाइज 8.2, ठीक है बच्चों। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, वो ऑब्जेक्टिव है, ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा हो सकता है क्या बच्चों, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अगर माइंड में ऐसा आ रहा है तो आप लोग गलत सोच रहे हैं, ऐसा वैल्यू नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, एग्जांपल से समझते हैं। जब समझो कि अगर ए का वैल्यू 30 डिग्री है और बी का वैल्यू 60 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये हो जाएगा 90 डिग्री और साइन 90 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 1। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1/2। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों, √3/2। क्या 1/2 प्लस √3/2 को ऐड करोगे तो 1 आएगा, नहीं आएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, ऐसा नहीं होता है, नॉट इक्वल टू। साथ ही साथ दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, सही है बच्चों, ये ट्रू है। सेकेंड वाला पार्ट जो है वो ट्रू है। थर्ड वाला पार्ट जो है कैसे है बच्चों, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो कि ये कैसे वैल्यू बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला, द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कॉस थीटा का वैल्यू बोल रहा है क्या कि इंक्रीज करेगा, कब, जब थीटा इंक्रीज करेगा, ये फॉल्स है। कॉस का वैल्यू 0 पे 1 आता है और 90 पे 0 आता है, यानी कि डिक्रीज करता है बच्चों, क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो थर्ड फॉल्स है। फोर्थ नंबर जो है उसमें पूछ रहा है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब होगा बच्चों, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा, ऑल वैल्यू पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और फिफ्थ नंबर में क्या कह रहा है, कॉट ए इज नॉट डिफाइन फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, साइन टेन 0 का वैल्यू होता है बच्चों 0 और कॉट 0 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइन, ये आप लोग टेबल में भी देखे होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन था, बाकी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये आप लोग इजीली कर सकते हो, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछना बच्चों,
हम जरूर बनाएंगे उस पर भी वीडियो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को यहीं पर हम स्टॉप कर देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लोग कुछ रेशियो के बारे में, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के बारे में, ठीक है, उसका कंप्लीमेंट वाला चीज़ देखेंगे लोग और कुछ फार्मूला वगैरह अगर जो छूटा हुआ है उसको भी कवर कर लेंगे लोग। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।